नमस्कार जी, नमस्कार। खांसी हो गई, सर्दी हो गई जी। अब आप अपने अपने मफलर और अपने अपने स्वेटर निकाल लो जी। टोपी तो मैं दे ही दूंगा, टोपी पहनाने में बहुत आगे हूँ। दिल्ली वालों, आज मैं आपसे बात करने आया हूँ जी, आपसे और आप सभी से बात करने आया हूँ जी। इन लोगों को दिक्कत हो रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी सरकार ढंग से काम करे दिल्ली में, पंजाब में, और अब तो गुजरात में भी मैं अपना परचम लहरा के रहूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बीजेपी के लोगों ने अपने बंदे छोड़े हुए हैं दिल्ली को लूटने को, लूटने को, लूटने को, लूटने को। इतना लूट रहे हैं ना, इस वजह से मैंने 3-4 बार बोला। और आपको क्या होता है ना, आप लोगों के ऊपर वैसे ही वो सब चीज़ें होती है कि जब तक 3-4 बार ना बोलो लोगों को, तब तक आपको लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो दिल्ली वालों के ऊपर सब जगह बीजेपी वालों ने बंदे भेजे हुए लूटने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ जी। अच्छा भला, एक आदमी का व्यवसाय चल रहा था शराब का, काम काज चल रहा था, 4-4 कंपनियों से बात चल रही थी, बीच में अपनी भांजी मार दी बीजेपी वालों ने, स्टिंग ऑपरेशन, फलाने ऑपरेशन, धमाके, ये वो, पता नहीं ऐसी ऐसी जगह पे उन्होंने कैमरे लगा रखे थे, मैं बता भी नहीं सकता आपको, लेकिन सारे खुलासे कर दिए। गरीब आदमी की मौत आ गई, ना वो काम बन पाया मेरा, ना काम सुचारू रूप से आगे चल पाया, और एक आदमी जो अच्छा वाला काम कर रहा था उसका काम ठप हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लूटने के लिए आए हुए हैं दिल्ली के अंदर। शिक्षा का मेरा इतना अच्छा चल रहा था, हर चीज़ के अंदर खुद घुस गए कि नहीं, ना मैं खुद खाऊंगा ना किसी और को खाने दूंगा। अरे तुम नहीं खाना मत खाओ भाई, हम तो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी तोंद लेकर के बैठे हुए हैं ना, हमारा क्या होगा? आपके तो बीवी बच्चे हैं नहीं, कसम बच्चों की झूठी खा रहा हूँ, मैं तरस जाता हूँ उन्हें बच्चों से मिलने को, क्योंकि एक भात दोनों भारे पड़ते हैं ना आजकल, तो भारी पड़ रहे हैं ना। ये लोग दिल्ली के अंदर दिल्ली को लूटने आए हैं, मैं आपको बतला दे रहा हूँ पहले से ही, आपको आगाह कर दे रहा हूँ मैं। ये तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी है, वरना तो ये MCD में मुझे कहीं रुकने ही नहीं देंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मुझे बोलते हैं तूने माँ CD दिल्ली की। अब आप बताओ इतनी गंदी गंदी बातें ये लोग मुझसे करते हैं। MCD नहीं बोलते, बोलते हैं माँ CD। अब आप लगा लो अपने हिसाब से, अगर आप दिल्ली से तो आप सही जगह पहुँचे हो, और नहीं भी हो तो भी सही जगह तो पहुँच ही गए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इन लोगों को लुटेरे, मेरा दवाइयों का इतना अच्छा काम चल रहा था जी, मैं पराली वहाँ जलाता था, हवा इधर की करवाता था, सारा का सारा धुआं यहाँ आता था, खुल खुल करके होते थे सब, मैं खुद बेंगलोर भाग जाता था और यहाँ के जो लोग हैं वो मेरी एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ खाते थे, मैं उनमें भी छाप रहा था, वो काम धंधा बंद करा दिया मेरा। मुझे बोल दिया है इन्होंने कि तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब कि अगर अब तुम पकड़े गए तो देख लो फिर तुम्हारी कहाँ कहाँ से खांसी निकलेगी। अभी तक तो मैं एक ही जगह से खांस रहा हूँ, आगे का मुझे पता नहीं जी, कहाँ कहाँ से खसवा देंगे सर। मोदी जी, पर ये जितना मुझे लूटेंगे मैं उतना लूटूंगा, जितना मुझे लूटेंगे ना इस तरीके से मैं उतना चारों तरफ से खसोटूंगा पैसे को, क्यों भाई मुझे भी तो सरकार चलानी है अपनी यहाँ पे दिल्ली में, मैं क्या बैठा हुआ हूँ? नहीं, फिलहाल तो खड़ा हुआ हूँ, पर मैं क्या बेवकूफ़ आदमी दिख रहा हूँ क्या आपको शक्ल से? क्या मैं शक्ल से आपको वो दिख रहा हूँ क्या, जोगेंद्र यादव? कितने सांपों को, कितने नेवलों को, कितनी बड़ी मछलियों को, कितने लोगों को काटा पीटा, जहर खिलाया पिलाया, तब जा करके यहाँ पहुँचा हूँ जी मैं, और आप सोच रहे हो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा? मैं तो ना छोड़ता। तो मैं आपको बता रहा हूँ जी, आपको दिल्ली वालों को आगाह रहना है, सबसे सब लोगों को, बल्कि दुनिया वालों को, इंडिया वालों को, कि यह BJP वालों ने लोग छोड़े हुए हैं आपको लूटने के लिए, आपको लूटना नहीं है। और मैं इसी कैमरे के माध्यम से गुजरात वालों को भी बोल देना चाहता हूँ, एक बार मैं आ गया तो बस फिर किसी का बाप नहीं ला सकता, मोदी जी नहीं ला पा रहे मुझे यहाँ से इतने दिनों में, तो और कोई क्या हिलाएगा। ठीक है जी, नमस्कार जी। यार ये पोल्यूशन है, पराली है ना, मुझे पता है। अबे बंद करो ना।